नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व जरूर करेंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों #VSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने पहले यहां पर रायबरेली और अमेठी की जनता का धन्यवाद किया और उसके बाद में वायनाड में जनता का धन्यवाद करने पहुंचे। वायनाड छोड़ने की अटकलों पर लगे हैं राहुल गांधी के पोस्टर, प्लीज हमें छोड़ करके मत जाइए, प्रियंका गांधी से हमारा ख्याल रखने को कहें। वायनाड की जनता का ये प्यार देखने को मिला है राहुल गांधी के लिए। जी हाँ दोस्तों, वायनाड की जनता ने पोस्टर लगाए हैं कि अगर जाना पड़े तो बहन से हमारा ख्याल रखने को कहें, यानी कि वायनाड की जनता ने मांग की है कि प्रियंका गांधी से कहें कि वे यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ें और हमारा ख्याल रखें। ये वायनाड की जनता ने मांग की है राहुल गांधी से। दरअसल दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी वायनाड की लोकसभा सीट यहां पर छोड़ रहे हैं और रायबरेली की लोकसभा सीट से यहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे, ये खबर सामने निकल के आई है। इतना ही नहीं, बीजेपी से बेहद ही ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बेहद ही बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिल सकती है। सूत्रों ने यह दावा किया है, केशव प्रसाद मौर्य शपथ ग्रहण समारोह से लेकर के अब तक लगातार दिल्ली में यहां पर डटे हुए हैं। इसके मायने यह भी निकाले जा रहे हैं कि उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया है यहां पर और अब बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और उसकी रेस में केपी मौर्य का भी नाम यहां पर शामिल है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। सूत्रों ने यह बड़ी दोस्तों जानकारी दी है। इसके साथ ही टीएमसी के सांसद साकेत गोखले का बड़ा दावा यहां पर। जी हाँ दोस्तों बताते चले, साकेत गोखले ने कहा कि जल्द ही बीजेपी सांसदों की संख्या घटने जा रही है, बहुत जल्द 240 से 237 पर आने वाली है बीजेपी। बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं और फिर इंडिया गठबंधन की सीटें हो जाएंगी 240 और फिर भाजपा की सीटें हो जाएंगी 237, यानी कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से और भी दूर हो जाएगी अकेले दम पर, यह यहाँ पर कहना है टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले का। दोस्तों इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी कई तरह की राय भी रखी है। एक यूजर ने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से हुआ होता तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से रहता, इंडिया गठबंधन 427 सीटों पर चुनाव जीतता, एनडीए को मात्र 92 सीटें ही मिलती जिसमें बीजेपी को 37, अन्य 20 से 25 सीट पाते, ये यहां पर लोगों ने अपनी राय भी रखी है। दोस्तों आप लोग इस सोशल मीडिया यूजर की राय से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा, हाँ या ना में। अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? एनडीए गठबंधन की सरकार भले ही बन गई हो लेकिन यहाँ पर उठापटक जारी है। चंद्रबाबू नायडू की शपथ में एनडीए के सारे नेता मौजूद थे लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए, सब ठीक तो है ना? श्रीनिवास बीबी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये यहां पर पूछा है। देख सकते हैं कि सारे ही एनडीए के नेता यहां पर चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में मौजूद थे, यहां तक कि पीएम मोदी खुद पहुंचे, अमित शाह भी पहुंचे, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, जिसके बाद में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार यहां पर काफी नाराज भी चल रहे हैं क्योंकि जो मंत्रालय उनको दिया गया है वो यहां पर भारी भरकम मंत्रालय नहीं है जैसा कि उम्मीद की गई थी, ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव अब लोकसभा में गरजेंगे अपने 37 सांसदों के साथ में। जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन को यूपी में बढ़त मिली है लेकिन ये बढ़त यहाँ पर और भी हो सकती थी।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद यहां पर बन सकते थे और भी ज्यादा संख्या में, लेकिन यूपी में खेल किया गया है उसी को लेकर के अखिलेश यादव बोले, कई सीटों पर प्रशासन ने हमारे प्रत्याशियों को हराया है, सही समय पर इन अधिकारियों का हिसाब किताब करेंगे, किसी को भी नहीं भूलेंगे, सबकी लिस्ट तैयार करके रखेंगे। ये अखिलेश यादव ने दोस्तों हुंकार भरी है और साफ तौर पर कह दिया है कि जिन अधिकारियों ने लोकतंत्र को कुचला है, जनता के जनादेश का अपमान किया है, उनको यहां पर सबक जरूर सिखाया जाएगा सही समय आने पर। यानी कि अब उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं जिन्होंने यहां पर जानबूझ करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को लोकसभा का चुनाव हराया है। ये यहां पर खबर आई है, जैसे कि फर्रुखाबाद बांसगांव में यही देखने को मिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, चौंकाने वाली खबर आ रही है नीट परीक्षा का मामला। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप जोशी एनटीए के अध्यक्ष हैं जो नीट परीक्षा आयोजित करता है। नीट परीक्षा में घोटाले के आरोपों के बाद मोदी सरकार ने खुद मामले की जांच के लिए प्रदीप जोशी को नियुक्त किया है, जो कि काफी चौंकाने वाला है। मतलब प्रदीप जोशी खुद प्रदीप जोशी की ही जांच करेंगे। वहा मोदी जी वहा, 2014 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि जोशी को आरएसएस की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था, आरोपी ही अपराधी की जांच करेगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं खबर सामने निकल के आई है, किस तरीके का मजाक किया जा रहा है। 24 लाख जो यहां पर छात्र हैं उनके भविष्य के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस खबर को सुन करके देख करके आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आ रही है। महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा चुनाव के लिए 200 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है। संसद सत्र के बाद में सीट बंटवारे पर बैठक होगी और माना जा रहा है कि एमबीए इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आने जा रहा है। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। इतना ही नहीं, टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त होने के लिए यहां पर तैयार रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि अगर बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। गहलोत ने कहा है कि यदि बीजेपी के मन में आगे जाकर के कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी सहयोगी दल को ही दे देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी नहीं किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो भी जानती है वो अपने अकेले दम पर बहुमत लाने की पूरी कोशिश करेगी। उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का इस्तेमाल करने से भाजपा पीछे नहीं हटेगी, इसलिए टीडीपी और जेडीयू को अभी भी वक्त है, संभल जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, बताते चलें, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, फैजाबाद सीट जिता करके जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर एसपी को जिता करके जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति को खारिज कर दिया है। सपा के प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी की धांधली के बावजूद जनता ने सपा के पक्ष में वोट किया, इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। यह कहना है अखिलेश यादव का। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।